हाय, गुड मॉर्निंग। इन टुडेस क्लास में डिस्कस अबाउट यूज ऑफ पास। अगर आप लोग पिछले क्लास के सारे मीनिंग भूल गए हैं तो एक बार आप लोग देख के उसको, अगर ट्रांसलेशन में जरूरत पड़ता है तो आप लोग पुराना पेज टर्न करके आप लोग वो वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। तो उसको उसके बाद आपको याद आ जाएगा कि कौन सा वर्ड मीनिंग, क्योंकि ये थोड़ा टाइम हो गया तो हो सकता है कुछ वर्ड भूल गए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पास का यूज कहाँ पे करते हैं। चैप्टर एक है और सबसे पहले इसमें तीन चीज होता है जो हर चैप्टर में मैंने आपको बताया है। यदि इस का हो, आर का हो, एम का हो, कहीं पे भी, तो हम लोग को थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में हमेशा पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव में हम लोग नेगेटिव देखते हैं और इंट्रोगेटिव में हम लोग का क्वेश्चन मार्क होगा, हम लोग कुछ पूछते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में हमेशा एक पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा होता है नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तरह का वाक्य होता है। तो चलिए रूल से देखते हैं। रूल, वाज का अर्थ था, थी, होता है तथा इसका प्रयोग भूतकाल में एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, परंतु इसका प्रयोग यू के साथ नहीं करते हैं। वाज का अर्थ होता है था या थी और इसका प्रयोग हम लोग भूतकाल में करते हैं, मतलब जो समय बीता हुआ है उसको हम लोग भूतकाल करते हैं और एक वचन के साथ ही यूज करते हैं, और इसका यूज हम लोग यू के साथ नहीं करते हैं। अगर एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो उसके लिए हम लोग वाच का यूज नहीं करेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड। वह नेता था, अगर वह नेता है तो हम लोग लिखते हैं कि इस अ लीडर, पर यहाँ पे था है मतलब पहले था, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वाच। जब भी था या थी होगा तो हम लोग वाच लिखेंगे। मोनू किसान था, अगर मोनू किसान है, इसका ट्रांसलेशन होगा मोनू इज अ फार्मर, मोनू किसान था, मोनू वाज ए फार्मर। आम मीठा है, द मैंगो इज स्वीट, आम मीठा था, द मैंगो वाज स्वीट। वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई था, ही वाज माय ब्रदर। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, यहाँ पे हम लोग एम का यूज करते थे, पर अगर जब भी था या थी होगा तो हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अब वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मैं गरीब था, आई वाज पुअर, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेट्स डू। वह खुश था, ही वाज हैप्पी, वह खुश है, ही इज हैप्पी, वह खुश था, ही वाज हैप्पी। आप लोग को जो भी है के जहाँ पे है था वहां पे था हो गया है, और जो भी इस आर एम यूज करते थे वहां पे हम लोग वाज का यूज करेंगे और आर के जगह पे हम लोग वेयर का यूज करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। सोनू राजा था, सोनू वाज अ किंग, सोनू वाज किंग ऑल्सो लिख सकते हैं या सोनू वाज अ किंग। वह छात्र था, ही वाज स्टूडेंट या ही वाज अ स्टूडेंट। वह सिपाही था, ही वाज अ सोल्जर, या मेज थी, This is a table. वह नर्स थी, वह नर्स थी, तो हम लोग लिखेंगे She was nurse. Yes, she was a nurse. पानी ठंडा था, Water was cold. मैं दर्जी था, I was tailor. यह कुर्सी थी, This was chair. वह पागल था, He was mad. तो आप लोग हेल्प बॉक्स से यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर नहीं पता चलता है तो मैंने सबका वर्ड बता दिया, आप लोग उससे भी राइट कर लीजिएगा। अगर जो वर्ड मैंने नहीं बताया होगा तो वो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया है, इसलिए मैंने नहीं बताया होगा और आपके पिछले चैप्टर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। ट्रांसलेट इंटू हिंदी। राम वॉज अ पोएट, राम एक कवि था, दैट वॉज ए पेन, वह एक कलम था, he was a singer, वह एक गायक था, she was a teacher, वह शिक्षक थी, वह शिक्षक थी लिखे या वह एक शिक्षक थी, यहाँ पे सी है इसलिए हम लोग थी लिख रहे हैं, अगर ही रहता तो हम लोग था लिख रहे हैं। she was my sister,
वह मेरी बहन थी। आई वॉज अ क्लर्क, मैं एक लिपिक था। अगर आप लोग को कलर का यहाँ वर्ड नहीं दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में तो आप लोग को पहले दिया हुआ होगा, आप लोग पेज नंबर 21 में देखेंगे तो कलर का यहाँ पे लिपिक लिखा हुआ है, ठीक है। दैट वाज अ स्कार्फ, वह एक दुपट्टा था। ही वाज अ बूचर, वह कसाई था। दैट वाज अ वॉच, वह एक घड़ी थी। सी वाज माय आंट, वह मेरी चाची या मामी थी, ठीक है। इसी पे आप लोग बनाइएगा ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी अफर्मेटिव का। फिर आप लोग नेगेटिव सेंटेंसेस रीड एंड अंडरस्टैंड, तो नेगेटिव में जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी में हम लोग नहीं का यूज करते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड, सोनू मेरा भाई नहीं था। सोनू वॉज नॉट माई ब्रदर, सोनू मेरा भाई नहीं है। सोनू इज नॉट माई ब्रदर, सोनू मेरा भाई नहीं था। सोनू इज नॉट माई ब्रदर। वह गायिका नहीं थी। शी वॉज नॉट ए सिंगर, भोला नेता नहीं था। भोला वॉज नॉट ए लीडर। जो भी यहाँ पे वर्ड आता है नेता, गायिका, चोर, ये सब आप लोग वर्ड को ध्यान में रखा करें, सिर्फ ट्रांसलेशन ना बने, आप लोग वर्ड को ध्यान में रखें। अगर मैं कोई वर्ड नहीं बताता हूँ इसका मतलब मैं पिछले क्लास में उसको बताया हूँ आप लोग को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो भी नए वर्ड आते हैं उसको आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्पीक करते हैं इंग्लिश में तो आप लोग को वो वर्ड का आना चाहिए माइंड में कि हाँ वो वर्ड क्या होता है। हिंदी में हमें पता होता है, इंग्लिश में नहीं पता होता, तो वो वर्ड को आपको याद रखना है कि हाँ ये वर्ड मैंने ट्रांसलेशन में बनाया है, तो आप लोग को बोलने में ईजी होगा। अगर कोई बोलता भी है तो आप लोग इजिली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यह पुस्तक अच्छी नहीं थी। दिस बुक वॉज नॉट गुड। ही वॉज नॉट अ थीफ, वह चोर नहीं था। तो यहाँ पे सब कुछ निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश देखते हैं। लेट्स डू। फर्स्ट, श्याम तैयार नहीं था। श्याम वॉज नॉट रेडी, वह मेरा वारिस नहीं था। ही वॉज नॉट माय हियर, वह गरीब नहीं था। He was not poor. सोनम गायिका नहीं थी। सोनम was not a singer. वह जादूगर नहीं था। He was not a magician. वह घोसला नहीं था। This was not a nest. सोहन डाकिया नहीं था। सोहन was not a postman. करण दर्जी नहीं था। करण वॉज नॉट अ टेलर। वह जाल नहीं था। दैट वॉज नॉट अ नेट। मैं डॉक्टर नहीं था। आई वॉज नॉट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो भी है वह यह लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, या किसी का नाम लिखा हुआ है, या मैं लिखा हुआ हूँ, तो जहां पर भी ये सब वर्ड आते हैं या वह मैं, उसकी जगह हम लोग वाज का यूज करते हैं। उसी तरह आप लोग जब इज आर एम देख रहे थे उस समय हम लोग मैं के साथ एम का यूज करते थे, बाकी जो भी नाम था या यह हुआ था तो वहां पे हम लोग दिस या दैट यूज करते थे, उसके साथ हम लोग इज आर का यूज करते थे और आई के साथ एम का यूज करते थे। पर यहाँ पे आप लोग को हर जगह वाज का यूज करना है, और जहां पे भी आप लोग आर का यूज करते थे वहां पे आप लोग को वेयर का यूज करना, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी। दैट वाज नॉट अ गन, वह बंदूक नहीं थी। दिस वाज नॉट ए कार, इसको क्या हुआ, यह कार नहीं था। वाज का हम लोग लिखेंगे था। ही वाज नॉट ए पोएट, वह एक कवि नहीं था। He was not my friend, वह मेरा दोस्त नहीं था। This was not a monkey, यह एक मंकी मतलब बंदर लिखेगा, यह एक बंदर नहीं था, यह बंदर नहीं था। That was not a dictionary, वह एक शब्दकोश नहीं था, या लिख सकते हैं आप लोग,
वह शब्दकोश नहीं था. अमन वॉज नॉट ए फार्मर. अमन एक फार्मर नहीं था.